नमस्कार, मैं हूं श्वेता ठाकुर। आप देख रहे हैं आज तक। देश के सबसे धनी उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर इंटीलिया के बाहर खड़ी एक संदिग्ध कार में जिलेटिन की छड़े मिली है। जी, आपको बता दें कि मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। हैरानी की खबर यह भी है कि गाड़ी के अंदर से कुछ नंबर प्लेट भी बरामद हुई है, जिनमें कुछ ऐसे नंबर है जो मुकेश अंबानी की सुरक्षा में लगी गाड़ियों से मेल खाते हैं। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई के पैडर रोड स्थित घर एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार और उसके अंदर 20 जिलेटिन छड़े मिलने से हड़कंप मच गया। तुरंत मुंबई पुलिस की टीम, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे। ये स्कॉर्पियो गाड़ी काफी देर तक अंबानी के घर के परिसर के बाहर खड़ी थी। शक होने पर अंबानी के सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को इसकी खबर दी। इस वक्त हम एंटीलिया के बाहर हैं, जो कि मुकेश अंबानी का घर है, और यहाँ आप देख लीजिए पुलिस की इतनी ज़्यादा प्रेजेंस है। ये BDDS की गाड़ी है, आगे कमांडोज भी खड़े हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए इधर इस साइड जो है डॉग स्क्वाड की टीम है, वहीं कमांडोज के अलावा यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ भी इस तरह की लगी हुई हैं, जो बताती है कि स्पेशलाइज ATS की टीम और तमाम टीमें यहाँ पर हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जाँच कर रही है। ATS भी आतंक के एंगल से इस केस की जांच में लगी है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएगी। इस स्कॉर्पियो गाड़ी को गुरुवार दोपहर 1 बजे एंटीलिया के पास पार्क किया गया था। पुलिस को एक दुकान के बाहर लगे CCTV की मदद से वो फुटेज भी मिल गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं। इस घटना के बाद मुकेश अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिव्येश सिंह और सौरभ वक्तानिया के साथ विद्या, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 8,500 से अधिक केस से हड़कंप है। मुंबई में भी 5 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है और 1,145 नए केस दर्ज हुए हैं। इंसानी जान का दुश्मन बने कोरोना वायरस ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। 5 राज्यों में खतरे की घंटी बज चुकी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और पंजाब में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आंकड़े डराने वाले हैं। महाराष्ट्र में 24 फरवरी को कोरोना के 8,807 नए केस सामने आए, जबकि 80 लोगों की जान भी चली गई। 23 फरवरी को महाराष्ट्र में 6,218 नए केस सामने आए थे, जबकि 22 फरवरी को कोरोना के 5,210 नए केस सामने आए थे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कल कोरोना के 1,067 केस सामने आए थे। पुणे में कल कोरोना के 743 केस सामने आए। महाराष्ट्र के अमरावती में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बुधवार को यहां कोरोना के 802 नए केस सामने आए, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई। अमरावती में लॉकडाउन लगा है, सिर्फ आवश्यक सेवाएं चल रही हैं। सड़क पर पुलिस तैनात है। उधर वाशिम में कोरोना संक्रमण की बड़ी खबर आई है। वाशिम के रिसोर तहसील के ग्राम देगान स्थित एक स्कूल के हॉस्टल में 190 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 4 शिक्षक हैं। कोरोना पॉजिटिव आने वाले ज्यादातर छात्र अमरावती और यवतमाल जिले के हैं। वाशिम जिले में कुल मिलाकर 318 नए मरीज पाए गए। महाराष्ट्र के वाशिम से एक चिंता करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर कल एक हॉस्टल से 190 छात्र कोरोना पॉजिटिव सामने आए। इससे पहले इस हॉस्टल में 40 छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद हॉस्टल में मौजूद सारे छात्राओं का कोरोना टेस्ट हुआ था। अब इस हॉस्टल में 230 छात्र कोरोना पॉजिटिव है। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सीनियर ऑफिशियल्स वहां पर जाके मौके का जायजा लिया और साथ ही सभी छात्राओं को मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। बुधवार को 200 नए केस आने के बाद दिल्ली में भी खतरे की घंटी बज चुकी है। महाराष्ट्र और केरल से दिल्ली आने वालों को क्वारंटीन किया जा रहा है। वहीं दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र पहुंचने वालों की भी चेकिंग की जा रही है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। जो कांग्रेस महात्मा गांधी का नाम जपती रही, जो कांग्रेसी खुद को गांधीवादी बताते हैं, गांधी की
विरासत पर सियासत करती है, उसी कांग्रेस में हुई है गांधी के हत्यारे के समर्थक की एंट्री। जी हाँ, हिंदू महासभा के जिस नेता ने गोडसे की पूजा की, आरती उतारी, उसे गुलदस्ता देकर कांग्रेस में शामिल किया गया है। हर हाथ शक्ति, हर हाथ को तरक्की देते देते कांग्रेस ने अपनी तरक्की कहां तक पहुंचा दी है, जरा देख लीजिए। जी हां, तरक्की। ये तरक्की देखकर बापू की आत्मा तड़प रही होगी, गांधीवादियों की आंखें दहक रही होंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जिसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की होगी, वो हो रहा है सोनिया, राहुल और प्रियंका की कांग्रेस में। इतनी तरक्की कर ली है आज कांग्रेस ने। जी हाँ, जिस महात्मा गांधी को कांग्रेस अपना बताते हुए नहीं थकती, आज उसी कांग्रेस में गांधी के हत्यारे की पूजा करने वालों का स्वागत हो रहा है। गांधी को मारने से पहले बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महात्मा गोडसे बताते हुए उसका मंदिर बनवाने वाले, मंदिर में गोडसे की पूजा करने वाले के सामने मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कालीन बिछा दी है। आइए महानुभाव, कांग्रेस में आपका स्वागत है। कांग्रेसी नेता सब जब बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़कर के मंत्री बन जाता है तो शरीफ हो जाता है, जब वो दूसरी पार्टी में रहता है तो भ्रष्टाचारी रहता है। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से डालिए उधर से सदाचारी बन करके निकल जाता है। सबसे करप्टेड तो बीजेपी है, भाजपा है। सब काला आदमी जाते हैं वॉशिंग मशीन में वॉश होके चला आता है। देखो, काला आदमी जाके सादा होके चला आता है। सबसे वॉशिंग मशीन है जिसमें दागदार नेताओं के दाग धुल जाते हैं और वो पवित्र हो जाता था। अब कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है, ऐसी वॉशिंग मशीन लेकर आई है जिसमें बापू के हत्यारों के समर्थकों के खूनी दाग धुल जाते हैं। क्यों भाई जीतू पटवारी जी, जरा समझाइए तो कांग्रेस की इस नई वॉशिंग मशीन का प्रोसेस। भारतीय जनता पार्टी के विचार में जो जाता है वो हिंसा, घृणा, नफरत और बंटवारे की बात करता है, वो गोडसे का उपासक होता है। कांग्रेस की विचारधारा को जो आत्मसात करता है वो महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, परोधर्म की भावना को जगाता है। बधाई हो सोनिया जी, बधाई हो राहुल जी, कांग्रेस की इस नई वॉशिंग मशीन की बहुत बहुत बधाई, जिसमें धुलकर गोडसे का उपासक गांधी का पुजारी बनकर निखर जाता है। अपराध से नफरत है, अपराध से नफरत है। वाह रे गांधीवादी, क्या कहने इस सादगी के। गांधी जी भी कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मध्य प्रदेश के कांग्रेसी तो इतने बड़े गांधीवादी हो गए कि गांधी के हत्यारे के पुजारी की पूजा में जुट गए। अब हम आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर ट्वीट की गई। इस तस्वीर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ के साथ हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया नजर आ रहे थे। ट्वीट में लिखा था, हिंदू महासभा के नेता कांग्रेस में शामिल, ग्वालियर के वार्ड 44 के पार्षद एवं हिंदू महासभा के नेता श्री बाबूलाल चौरसिया आज प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। श्री चौरसिया का कांग्रेस परिवार में स्वागत है। गोडसे कौन है, मैं जानता ही नहीं साहब, इस बात को लेकर क्या है। हिंदू महासभा से कांग्रेस में पहुंचे बाबूलाल चौरसिया की कारगुजारी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए कि कांग्रेस की इस वॉशिंग मशीन के प्रयोग पर बीजेपी कैसे कटाक्ष कर रही है। गोडसे का पुजारी अब कांग्रेस की सवारी, और कांग्रेस का कभी कोई रुक नहीं रहता है। कांग्रेस परिस्थिति जन्य पार्टी है, परिस्थितियों के अनुसार से वो अपना रुख अपना, एक रुख उनका स्पष्ट है तुष्टीकरण का, तुष्टीकरण की राजनीति करना, एक रुख उनका स्पष्ट है विभाजन की राजनीति करना। देश का विभाजन कर दिया, विभाजन के बाद 50-10 मिल सत्तर लगा दी, अब उत्तर और दक्षिण की राजनीति करके विभाजन पैदा करना, एक देखा खींचना, एक नई शुरुआत करना, सिर्फ यही है। वो महात्मा गांधी के भक्त कवि, वो सोकॉल्ड गांधी जो लोग थे, उन सोकॉल्ड गांधियों के हिसाब से चलने वाली। हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया के हाथों में कमलनाथ ने फूलों का गुलदस्ता थमाकर स्वागत किया है, लेकिन बीजेपी इस बहाने कांग्रेस की राह में कांटे बिछाने लगी है। आखिरकार गांधीवादी पार्टी में
भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस शुरू से यह आरोप लगाती आई है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी लॉन्ड्री है जहां पर दागदार नेताओं के दाग धुल जाते हैं। लेकिन बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद अब कांग्रेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई कांग्रेस भी अब उसी दिशा में बढ़ रही है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित और कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।